मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा। मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। नमस्कार, आदाब अर्ज है, मैं हूं आपकी दोस्त और इस किस्सा गोई की होस्ट श्वेता जया। दोस्तों, सिनेमा जगत की हसीन दुनिया हम सबको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो बड़े पर्दे के पीछे की कहानियां, किस्से और र्यूमर्स और भी ज्यादा फैसिनेटिंग होते हैं। तो अपने इस खास शो में मैं बात करूंगी कुछ ऐसी ही अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज की, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसे र्यूमर्स जो कि आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। तो आज हम बात करेंगे मोहम्मद रफी और उनके निजी जिंदगी के बारे में। मखमली आवाज के बेताज बादशाह पद्मश्री मोहम्मद रफी का जन्मदिन आ रहा है और इस खास मौके पर मैं उनके चाहने वालों के लिए लेकर आई हूं उनकी जिंदगी की कुछ अनटोल्ड इंटरेस्टिंग स्टोरीज। 24 दिसंबर 1924 को जन्मे रफी साहब के जन्मदिन यानी 24 दिसंबर तक मैं कुछ ऐसे अनसुने किस्से आपको बताऊंगी जो उनकी गायकी के साथ साथ उनके व्यक्तित्व को भी बयां करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आप तक पहुंचाऊंगी इन तमाम राजदार किस्सों को पूरी तफसील से, जिन्हें यकीनन आप में से कम ही लोग जानते होंगे। वो जब याद आए, बहुत याद आए। 1940 के बाद सिनेमा जगत में इस आवाज का जादू कुछ ऐसा चला कि हिंदुस्तान की आवाम सिर्फ इसी आवाज में नगमे सुनना चाहती थी। रफी साहब का अंदाजे तरन्नुम ऐसा था कि कोई उसे कोयल की तान कहता तो कोई गंगा की निर्मल धारा कहकर नवाजता था। ठंडी आहें हवा भर रही है। मोहम्मद रफी एक बेहतरीन सिंगर, एक लाजवाब इंसान और करोड़ों दिलों पर राज करने वाला एक शख्स। कहा जाता है कि उस जमाने में वो इतने ज्यादा रोमांटिक गाने गाते थे कि उनकी आवाज ही रोमांस का दूसरा नाम बन गई थी। और ये भी कहा जाता है कि उस जमाने में हसीनाएं उनकी आवाज को सुनकर उनकी दीवानी हो जाती थी। तुमने मुझे देखा हो कर मेहरबान, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी शख्सियत की निजी जिंदगी में रोमांस के लिए कोई जगह नहीं थी? क्या आप यकीन करेंगे कि 7 बच्चों के पिता मोहम्मद रफी साहब की जिंदगी इतनी पाबंद थी कि उनको घर से रिकॉर्डिंग स्टूडियो और स्टूडियो से सीधे घर आना होता था? और क्या आप ये जानते हैं कि महज 13 साल की ना तजुर्बेकार मासूम उम्र में रफी साहब की पहली शादी उन्हीं की चचेरी बहन से हुई थी, जो सालों तक एक राज बनकर रही और उनकी बहू की एक किताब ने जब इस राज से पर्दा उठाया तो खलबली मच गई। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। रफी साहब के गानों के दीवाने तो करोड़ों हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी के बारे में कम ही लोगों को पता है। कहते हैं कि हम सब की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे हम औरों से तो क्या, खुद से भी पोशीदा रखना चाहते हैं। राज खुलने का तुम पहले जरा अंजाम सोच लो। लेकिन ऐसे राज को सीने में छुपाए रखने की मुसलसल कोशिशें कभी कभी हमें काफी परेशान कर देती हैं। अनहोनी कुछ जरूर हुई दिल के साथ आज, नादान था ये मगर दीवाना कभी न था। बिल्किस हसन का लिखा हुआ ये शेर रफी साहब की जिंदगी के इस पहलू पर शायद सटीक बैठता है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि मोहम्मद रफी ने 2 शादियां की थीं, जिसमें अपनी पहली शादी की बात उन्होंने सबसे छिपा कर रखी थी। इस शादी के बारे में बस दोनों के घर वाले ही जानते थे और कभी किसी को इस पर बात करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन ऐसा कौन सा राज था जिसे दुनिया के सामने इस कदर छुपाने की जरूरत पड़ी? ऐसी क्या मजबूरी थी कि रफी साहब ने कभी इस हकीकत को दुनिया के सामने कबूल नहीं किया?
क्या ये कोई गलती थी या टीनेजर मासूम रफी के साथ की गई कोई नाइंसाफी, या फिर असहाब यानी ऊपर वाले का एक अनजान फैसला जो वक्त और हालात के साथ रफी साहब को गमगीन कर गया। मंजूर हाशमी का एक शेर है, कबूल कैसे करूं उनका फैसला कि ये लोग मेरे खिलाफ ही मेरा बयान मांगते हैं। शायद रफी साहब की जिंदगी की ये दास्तां भी कुछ ऐसी ही थी जिस वजह से उन्होंने कभी भी दुनिया के सामने इसका इजहार नहीं किया। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी। आपको रफी साहब की पहली शादी और तलाक का सच बयां करूं उससे पहले रफी साहब के बारे में एक और जरूरी बात बताती हूं, जिन्हें जानकर आपको थोड़ी और हैरत होगी और आप उनके हयाते अंदाज यानी जिंदगी जीने के तरीके को समझ पाएंगे। बताते हैं कि कभी भी रफी साहब का किसी किस्म के अफेयर में नाम नहीं उछला, ना ही किसी से मोहब्बत की कानाफूसी चर्चाएं आम हुई जैसा कि आम सिनेमा हस्तियों की जिंदगी में होता है और अखबारों की सुर्खियां बनती रहती हैं। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम। दरअसल इस राज का खुलासा मोहम्मद रफी की बहू यास्मीन खालिद रफी ने किया था, जिसने सिने जगत में तहलका मचा दिया था। यास्मीन ने अपनी किताब मोहम्मद रफी मेरे अब्बा एक संस्मरण में रफी साहब की पहली शादी का जिक्र किया था। यास्मीन ने किताब में लिखा कि मोहम्मद रफी की पहली शादी 13 साल की उम्र में उनकी चचेरी बहन बशीरा बानो से हुई थी। ये शादी सिर्फ परिवार वालों की मौजूदगी में उनके पैतृक गांव में करवाई गई थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये शादी एक झटके में टूट गई। हुआ यूं कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त काफी दंगे हुए, इसमें बशीरा बेगम के माता पिता की मौत हो गई। इन दंगों से बशीरा बेगम इतनी डर गई कि उन्होंने भारत में रहने से इनकार कर दिया और लाहौर चली गई। हर सपना एक दिन टूटे इस दुनिया में। जबकि रफी साहब ने अपनी बेगम की जगह हिंदुस्तान को चुना और अपने गायकी के करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई में ही रुकने का फैसला लिया। इस शादी से उनको एक बेटा भी था जिसका नाम सईद था। बताते हैं कि आगे की उसकी पढ़ाई के लिए रफी साहब ने उसे लंदन भेजा, जो कि बाद में लंदन में ही सेटल हो गए। खुश रहे तू सदा ये दुआ। बड़ी बात ये कि 1944 में 20 साल की उम्र में रफी साहब की दूसरी शादी भी हुई थी। उनकी दूसरी पत्नी का नाम बिल्किस बेगम था, जिनसे उनके 3 बेटे खालिद, हामिद और शाहिद और 3 बेटियां परवीन, नसरीन और यास्मीन हुई। जब रफी साहब की ये शादी हुई थी तो उनकी पहली पत्नी भी भारत में मौजूद थी। हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती कि क्या ये दोनों बीवियां साथ में एक घर में रहती थी या अलग आशियाना था। जानकार बताते हैं कि रफी साहब के घर में उनकी पहली पत्नी के जिक्र की सख्त मनाही थी, क्योंकि उनकी दूसरी पत्नी बिल्किस बेगम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उनके बारे में चर्चा से भी आग बबूला हो जाती थी। अगर कभी कोई इसकी चर्चा कर देता तो बिल्किस बेगम और रफी साहब के साले जहीर बारी इसे अफवाह कहकर बात को दबा देते थे। उम्र भर ये मेरे दिल को तड़पाएगा। रफी साहब की बहू यास्मीन रफी ने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि वो कभी ये बात नहीं समझ पाती थी कि इस बात को छिपाने की ऐसी क्या जरूरत है। वही विजय पुलक्कल की किताब रिमेम्बरिंग मोहम्मद रफी भी इसी तथ्य की पुष्टि करती है, जिसमें वो लिखते हैं कि 1947 में भारत के विभाजन के दौरान दंगे हुए थे और उन्हीं में अपने माता पिता को गंवाने के बाद बशीरा बेगम ने भारत छोड़ने का फैसला ले लिया था और लाहौर में जाकर बस गई थी। इन किताबों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक डाल दिए हैं, जहां से आप खरीद सकते हैं। वही रफी साहब के लिए एक और बात चर्चा में रही कि हजारों रोमांटिक नगमे गाने वाले मोहम्मद रफी की अपनी जिंदगी में रोमांस के लिए कोई जगह नहीं थी। वो इससे हमेशा दूर ही रहे और एक काफी स्ट्रिक्ट अनुशासित जीवन बिताया।
बताते हैं कि उनकी मोहब्बत और वफा हमेशा सिर्फ उनकी पत्नी बिल्किस बेगम के लिए ही रही। मेरा प्यार भी तू है, ये बाहर भी तू है। वो फिल्मी पार्टियों से भी दूर ही रहते थे, ना ही कभी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की और ना ही कोई और लत पाली। मोहम्मद रफी अपने घर से सीधे रिकॉर्डिंग रूम और रिकॉर्डिंग से अपने घर आने के लिए जाने जाते थे। कहते हैं कि उनके कई समकालीन सिंगर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स उनकी इस सादगी और अनुशासित जिंदगी से रस खाते थे और कहते थे कि बॉलीवुड की इस चमक दमक की दुनिया में रहकर भी कोई ऐसी जिंदगी कैसे जी सकता है। चलते चलते मुनव्वर राना के एक शेर के साथ आपसे विदा लूंगी कि हमारे फन की बदौलत हमें तलाश करे, मजा तो जब है कि शोहरत हमें तलाश करे। तो दोस्तों, आज के शो में फिलहाल के लिए इतना ही। रफी साहब की जिंदगी के इस पहलू से जुड़ी कुछ और जानकारी अगर आपके पास भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऊपर मैंने जिन किताबों की चर्चा की है, अगर इनमें से किसी को आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनके लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर वहां से खरीद सकते हैं। तो अगले हफ्ते अगले शो में मैं कुछ और अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।